इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, बाद में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको निकालना क्या है, इस बेसिस पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो हम लोग जानते हैं सिंस क्या है आपका, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब जब भी ए का ट्रांसपोज करेंगे आप तो ये माइनस टाइम्स ए मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप सामने देख रहे हो कि ए की पावर ट्रांसपोज, कुछ लोग डैश से भी दिखाते हैं, खैर, तो ए का ट्रांसपोज और इधर ले आते हैं प्लस ए, क्या हो जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स ओ हो जाएगा। अब ए आपको पता है, ए यहाँ से गिवेन है, तो ए हम लोग लिख देते हैं 0 ए माइनस 3 और आपका हो गया 2 0 माइनस 1 बी 1 और 0 हो गया का ट्रांसपोज, प्लस मैट्रिक्स ए 0 ए माइनस 3 एंड 2 0 माइनस 1 बी 1 और 0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स से ओ है। अब ट्रांसपोज देखना है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, रो कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो पहली रो है इट बिकम फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम रो बन जाएगा या रो कॉलम बन जाएगा, जैसा भी आप सोच लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से दिस रो बिकम कॉलम, तो 0 ए और माइनस 3, ये वाली रो दूसरी कॉलम बन जाएगी, तो 2 0 और माइनस 1 आ गया, फिर यहाँ बी 1 और क्या हो गया, 0 हो गया। तो ट्रांसपोज हम लोगों ने देख लिया। अब प्लस का क्या हो गया आपका, दैट इज 0 ए माइनस 3 2 0 माइनस 1 बी 1 और 0, दैट इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, सेम ऑर्डर के हैं, तो जब ऐड करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो जो इधर मैट्रिक्स आने वाली है 0 आ गई, फिर 2 प्लस ए ये हो जाएगा, 2 प्लस ए हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट जो हो जाएगा बी माइनस 3 हो जाएगा, और इस साइड में हो जाएगा ए प्लस 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, फिर आपका 1 प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 3 और बी, तो ये बी माइनस 3 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, माइनस 1 और 1 ये 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 0 और 0 0 हो जाएगा। तो ये इस साइड में, इधर ओ है, नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, तो नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर आपका क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा। ऑर्डर आपको डिटरमाइन करना होता है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। इसी तरह से आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वहाँ भी आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना होता है। तो ये 3 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स है, जो ये ओ लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस ए, दैट इम्प्लाइज 2 प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू 0 एज वेल एज बी माइनस 3 इज आल्सो 0 एंड बी माइनस 3 इज आल्सो 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस 2 दिख रहा है, दैट इज वन ऑफ द आंसर, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रहा है, दैट इज another answer। तो फॉर ए इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बी इक्वल्स टू 3 गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक।